हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं बंजारा मार्केट, और बंजारा मार्केट में हमारे एक फ्रेंड भी आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ एंटिक पीस, कुछ लाइट वाले एंटिक पीस लेने थे घर पर डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, कुछ महीने बाद दिवाली भी आ रही है, और अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो ये रोज़ रोज़ आप दूसरे शहर में नहीं जाते, और दिल्ली NCR का आपको पता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत सारी वैरायटी और अलग अलग प्राइस रेंज में मिल जाती है। तो अभी हम ये रैपिड मेट्रो से उतरे हैं सेक्टर 54 चौक में। अगर आप कहीं से भी आते हो, सेक्टर 54 चौक पे आप उतर सकते हो। यहाँ से आप 1 किलोमीटर पैदल जा सकते हो, उसके अलावा आप कैब बुक कर सकते हो, ओला बाइक, ओला कार, या फिर आप ऑटो भी कर सकते हो। तो चलिए, अब मिलते हैं बंजारा मार्केट में। दोस्तों, गुड़गांव रैपिड मेट्रो से बस आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से ये बंजारा मार्केट स्टार्ट हो जाती है, और ये पेट्रोल पंप तक ये पूरा आधा से 1 किलोमीटर का एरिया है। इसमें फैली हुई है रोड साइड, और जो मार्केट का एरिया है वहाँ पर भी आपको मार्केट मिलेगी। और दोस्तों, गुड़गांव में ये बंजारा मार्केट इसलिए फेमस है, यहाँ पर मेनली आपको क्रॉकरी और सिरेमिक का सामान, और किचन के जो भी बर्तन है सिरेमिक के, उसके अलावा पॉट्स, गार्डन का सामान, उसके अलावा एंटिक पीसेस, लाइट का सामान, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलता है। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होती है, यहाँ पे जितने भी रेट्स हैं वो आपको डबल ट्रिपल करके बताएंगे। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये हैंड वॉश वाला है भाई, कितने का है हैंड वॉश वाला? 200 का है। और दोस्तों, यहाँ पे सारा लाइट का सामान है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये भैया बैठे हुए, चले इन्हें से पूछते हैं कि क्या रेट है किस चीज़ का। भैया ये कितने का है? ये 2200 रुपये का। 2200 का? 3 पिंजरा बोलते हैं इसको। 3 पिंजरा, अच्छा 3 है इसमें। और ये जो सिंगल वाला है ये कितने का है? ये 800 रुपये का। ये भी सिंगल सिंगल वाले हैं ये? हाँ, साथ में भी टांग सकते हैं। कितने का एक? ये 500 रुपये का एक पीस है। 500 का। और ये सिंगल पिंजरा कितने का बताया था? वो 800 रुपये का। 800 रुपये का वो बड़ा है ना, 500 रुपये का ये। और ये राउंड वाला? ये भी 500 का सेम प्राइस है। ओके ओके। ये जो लैंप टाइप का है ये? ये 1200 रुपये का। 1200 रुपये का। ये बल्ब लगाने वाला है ना नीचे? बम्बू। इसमें कितने हैं? 1, 2, 6 है टोटल। ये कितने का है? ये 2500 रुपये का है। भैया ये वाला जो लैंप है? ये लैंप है 3000 रुपये का। स्टैंड के साथ? स्टैंड के साथ।
ओके ओके, बल्ब तो अपने ही लगाने होंगे ना? नहीं, बल्ब भी लगा के दे देंगे। अच्छा, बल्ब भी लगा के दे देंगे। और ये जो स्टाइलिश वाले ये जो लैंप लगे किनारे सब 800 रुपये का कोई सा ले लो, कोई सा भी ले लें। और ये जो सिंगल बल्ब वाले ये 700 रुपये का। ये जो प्लेन लैंप है ये कितने का है? ये 2000 रुपये का। 2000 रुपये का। ये लैंप है? हाँ भैया। अच्छा, इसके ऊपर ये आप लगाओगे? हाँ, ये कितने का है ये? देखो, ये तो सब सेम ही चीज है। लैंप 1000 का है? 3000 का है। अच्छा गणेश जी, 1200 को। और ये बाल गोपाल कितने के? 1500। ये कितने? 4.5 का। और वो जो पीछे स्ट्रेट वाले बुद्धा है 3500। और ये शंकर पार्वती जी 2500 को। अंडी, ये हैंड वॉश वाला कितने का है? 550 का है। अच्छा, 3 का सेट है 550। सिंगल नहीं है क्या? साबुन है, ये है, वो किधर ने रखा? ये तो दिया जलाने के लिए होगा, अगरबत्ती दिया टाइप का है ना। अच्छा, ये 3 का सेट है 550 का। उससे ये 1200 रुपये के जोड़े थे, और ये आंटी ने 800 रुपये का पेयर बताया था, और ये हमें पड़ा है 300 रुपये का बार्गेनिंग करने के बाद। आंटी, ये हुक्का आपका है या बेचने के लिए रखा है? अरे आपका है। नहीं, दिखने में अच्छा लग रहा था ना, शोपीस टाइप का। और ये पीछे आंटी ये बुद्धा जी हैं, ये कितने के हैं? ये वाला 500 का। 800 का। और ये जो ये पूरे बैठे हुए हैं, ये 1200 का। और ये जो छोटा वाला शीशा है, ये छोटा वाला शीशा कितने का है? 2000 का। आंटी, ये जो गोल वाला शीशा है ये कितने का है? 1200 का है। और ये 2000 का है। ये तो बड़ा मस्त है, कपड़े टांगने का है ना? इंसान भी टंग जाए, छोटा बच्चा टंग जाए। बिना बल्ब का है? बिना बल्ब का कितने का है? 6 है ना इसमें? हाँ, 6 बल्ब है, लेकिन हमारे पास बल्ब का तो नहीं। अच्छा, बल्ब इसमें वो डिजाइनर वाले जो होते हैं वो लगते हैं। चलो बल्ब हम ले लेंगे। कितने का है ये? 2500 का। यार वो बल्ब लगा के 2500 का बता रहा था। दोस्तों, बजारा मार्केट हम लोग मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे 11 बजे के आसपास, तो पूरा मार्केट अभी ओपन नहीं था, लेकिन फिलहाल जितना ओपन था मैंने मेन चीज़ें आपको दिखा दी। आशा करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा कि रेट किस हिसाब से और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी हम ये पास के ही मॉल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कुछ पेट पूजा करने आए, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो चलिए, मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।